गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, जीपीसी डूंगरपुर। आज के इस वीडियो में हम जावा में एप्लीकेशन और एप्लेट के बीच में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, इसको हम समझेंगे। और यहाँ पर हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेज में नोट्स बना रखे हैं। आप जिस भी लैंग्वेज में कम्फर्टेबल हैं उसमें आप नोट्स बना सकते हैं। आप दोनों में बनाना चाहो तो दोनों में बना सकते हैं। दोनों में दो लैंग्वेज यूज़ करने का रीज़न ये है कि बच्चे कुछ इंग्लिश मीडियम से आते हैं, कुछ हिंदी मीडियम से आते हैं, तो दोनों लैंग्वेजेस में हम साथ में रहेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने लास्ट के दो तीन वीडियोस में एप्लेट्स के बारे में पढ़ा है, एप्लेट्स का बेसिक देखा है, एप्लेट्स का लाइफ साइकिल देखा है, एप्लेट का रन करा के भी देखा है हमने जावा में। और मैं हर बार आपको हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। थ्योरी एक ओवरव्यू है जिससे हमें एक इंट्रोडक्शन मिल जाता है, लेकिन हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तभी समझ में आएगी जब हम प्रैक्टिकली प्रोग्राम लिखेंगे, उसको कंपाइल करके रन करवाएंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या डिफरेंसेज हैं, एप्लीकेशन क्या होता है और एप्लेट क्या होता है। तो जावा प्रोग्राम्स है उनको डिवाइड किया गया है एप्लीकेशंस और एप्लेट्स में। सबसे पहले हम देखते हैं कि एप्लीकेशंस क्या होते हैं। देखिए, एप्लीकेशन जिसको हम हिंदी में अनुप्रयोग भी बोलते हैं, तो एप्लीकेशन का मतलब होता है सॉफ्टवेयर। तो मोबाइल में आजकल हम शॉर्ट में ऐप्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऐप्स का मतलब क्या है? एप्लीकेशंस। और एप्लीकेशन किसको बोलते हैं? सॉफ्टवेयर को। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है ये देखिए, सॉफ्टवेयर होता है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। जैसे हमने छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो वैसे खूब सारे प्रोग्राम्स, क्योंकि हमारा एक प्रोग्राम क्या काम कर रहा है? दो तीन काम कर रहा है। अब एक सॉफ्टवेयर है वो बहुत सारे काम करता है, इसलिए सॉफ्टवेयर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है। तो ये क्लियर है आपके कि एप्लीकेशन क्या होता है? एप्लीकेशन कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है। जैसे व्हाट्सएप, व्हाट्सएप क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। VLC मीडिया प्लेयर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। MS ऑफिस ये क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो इनके अंदर सैकड़ों या हजारों प्रोग्राम्स हो सकते हैं एक एक एप्लीकेशन के अंदर। तो जावा के जो एप्लीकेशंस हैं वो स्टैंड अलोन होते हैं और वो डायरेक्टली रन होते हैं मशीन पर। अब स्टैंड अलोन क्या होता है? स्टैंड अलोन का मतलब होता है कि उसको किसी दूसरे के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसकी जो सारी फैसिलिटीज़ है उसी के अंदर होती है। जैसे MS ऑफिस आपने किसी सिस्टम पर इंस्टॉल कर लिया तो वो स्टैंड अलोन हो गया। आपको MS ऑफिस में, MS वर्ड में काम करना है, MS एक्सेल में करना है, पावर पॉइंट में करना है, तो आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है और न ही कोई दूसरा कोई डिवाइस अटैच करने की ज़रूरत है। तो वो क्या है? स्टैंड अलोन। तो जितने भी हमारे एप्लीकेशंस होते हैं वो जावा के अंदर स्टैंड अलोन होते हैं और डायरेक्टली वो मशीन पर रन होते हैं। लेकिन एप्लेट्स, एप्लेट्स क्या होते हैं? एप्लेट्स को रन करने के लिए ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे MS ऑफिस काम ले तो उसको ब्राउज़र की ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो वैसे ही बाकी के जो एप्लीकेशंस होते हैं जावा में उनको ब्राउज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन एप्लेट को ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। और एप्लेट है वो एक HTML फाइल है, उसके साथ इंक्लूड रहता है वेब डॉक्यूमेंट में। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं वो रन होते हैं वर्चुअल मशीन की हेल्प से, ठीक है। JVM, जावा वर्चुअल मशीन। अब जावा वर्चुअल मशीन क्या है? ये कोई फिजिकली ऐसी कोई मशीन नहीं है जिसको आप टच करके देख सकते हो, ये एक सॉफ्टवेयर ही है, जावा के कंपाइलर का, इंटरप्रेटर का उनका पार्ट है। तो इस एक तरह से सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है, इसलिए इसका नाम है जावा वर्चुअल मशीन। इसके बिना सपोर्ट के हम जावा के प्रोग्राम्स रन नहीं करवा सकते। तो जावा की जो एप्लीकेशंस हैं वो रन होते हैं JVM, जावा वर्चुअल मशीन की हेल्प से।
और ये इंडिपेंडेंट होता है, जैसे मैंने बताया स्टैंड अलोन होते हैं। स्टैंड अलोन क्या इंडिपेंडेंट हो गया, एनी सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्शंस, इन पर किसी तरह का सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, ठीक है। जबकि एप्लेट होते हैं वो बिना ब्राउजर की हेल्प के रन नहीं हो सकते, ठीक है। या तो आपको एप्लेट व्यूअर में रन कराना है या ब्राउजर में रन कराना है, और इनके ऊपर सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो जो एप्लीकेशन है उन पर सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक एप्लीकेशन है वो हमारा जो कंप्यूटर है उसके अंदर कोई भी फाइल है उसको एक्सेस कर सकता है, लेकिन एप्लेट है एप्लेट नहीं कर सकता है। एप्लेट को जितनी परमिशन दी गई है ब्राउजर से उतना ही वो एक्सेस कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि एप्लेट है वो किसी एक इंटरनेट एप्लीकेशन की तरह होता है, जिसको डिप्लॉय करने के लिए किसी प्रोसीजर या इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। देखिए जैसे आपको एमएस ऑफिस चलाना है तो आपको एमएस ऑफिस को इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसका सेटअप है वो डाउनलोड करेंगे या किसी सीडी से हम इंस्टॉल करेंगे। वीएलसी मीडिया प्लेयर है उसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन एप्लेट है उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, वो ब्राउजर के अंदर रन होगा। आपके पास ब्राउजर होना चाहिए और नेटवर्क कनेक्टिविटी होनी चाहिए, और अगर आपने लोकल एप्लेट बनाया है तब इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने पीसी पर बनाएंगे तो अपने पीसी पर ही रन कर सकते हैं। अब हम विस्तार से देखते हैं कि एक एप्लीकेशन क्या होता है। जैसा कि अभी हमने देखा कि एप्लीकेशन क्या होता है, स्टैंड अलोन जावा प्रोग्राम होता है, और किसके सपोर्ट से रन होता है, जावा वर्चुअल मशीन की हेल्प से, चाहे वो क्लाइंट पर रन हो रहा हो या सर्वर पर। जेवीएम की ज़रूरत होती है एक एप्लीकेशन प्रोग्राम को। जावा एप्लीकेशंस हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं किसी स्पेसिफिक फंक्शन को रन करने के लिए, किसी जावा कंपेटिबल वर्चुअल मशीन की हेल्प से, और उनको ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है वो कैसा है, ठीक है। जावा एप्लीकेशन है उसको किसकी ज़रूरत है, जेवीएम की, उसको जेवीएम मिलना चाहिए, उसका सपोर्ट मिलना चाहिए जेवीएम का। उसके बाद में कंप्यूटर का आर्किटेक्चर कौन सा है, किस तरह का हार्डवेयर है, कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उससे उसको जावा को कोई लेना देना नहीं है। और ये किसी स्पेशल कोई फंक्शन होता है, कोई काम हमें करवाना होता है उसके लिए हम इसको डिज़ाइन करते हैं। तो जावा एप्लीकेशंस के प्रोग्राम के ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि डेटाबेस प्रोग्राम्स हैं, डिप्लॉयमेंट टूल्स हैं, वर्ड प्रोसेसर्स हैं, ठीक है। एमएस वर्ड क्या है, वर्ड प्रोसेसर ही। टेक्स्ट एंड इमेज एडिटिंग प्रोग्राम्स हैं, जैसे एमएस पेंट है, ठीक है, इस तरह के हैं। स्प्रेडशीट्स हैं, एमएस एक्सेल है, वेब ब्राउजर्स हैं। तो इस तरह के ये जावा एप्लीकेशंस के एग्जांपल हैं, और ये सभी क्या है, स्टैंड अलोन होते हैं, जेवीएम के सपोर्ट से ही रन होते हैं। जावा एप्लीकेशंस है वो रन होते हैं विथ और विदाउट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI, ठीक है। जावा एप्लीकेशन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ या उसके बिना भी चल सकते हैं। अब GUI आप जानते होंगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है। हम मोबाइल चलाते हैं या कंप्यूटर चलाते हैं, उसको पूरा क्या GUI होता है। आपको कोई कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर सीधे आइकन्स दे रखे हैं, मेन्यूज दे रखे हैं, बटन बनाए हुए हैं, उनकी हेल्प से आप काम कर सकते हो, आपको वहाँ टाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या होता है, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो ये यूजर फ्रेंडली होता है। तो GUI और बिना GUI दोनों के ये जावा एप्लीकेशन हमारे रन हो सकते हैं। जावा एप्लीकेशंस
जावा एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को रन करने के लिए जावा इंटरप्रेटर को हमें रन कराना होगा कमांड प्रॉम्प्ट से, और उससे हम इसको कंपाइल कराएंगे जावा सी कमांड से और रन कराएंगे जावा कमांड से। जैसा कि मैंने एक प्रैक्टिकल पर वीडियो बनाया था, एक प्रोग्राम बनाया था हमने एप्लेट का, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जब कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को तो हम क्या लिखते हैं, जावा सी प्रोग्राम का नेम डॉट जावा, फिर उसको जब रन कराते हैं तो जावा प्रोग्राम नेम डॉट जावा, और अगर एप्लेट है तो एप्लेट यूअर प्रोग्राम नेम डॉट जावा। और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं वो उसी मशीन पर रहते हैं जहाँ पर उनको डिप्लॉय किया गया है, आमतौर पर ऐसा ही होता है। आपने एमएस ऑफिस आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया तो आपके कंप्यूटर पर चलेगा वो, ठीक, और आपके कंप्यूटर चलाना तो आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल करना होगा। इस तरह के एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं। अब ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जितने भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं सबके अंदर हमने मेन फंक्शन पढ़ा है, और मैं आपको हर बार ये बताया मैंने कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन से। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो नहीं जानता बाकी प्रोग्राम को, वो सबसे पहले मेन फंक्शन को ढूंढता है। तो मेन फंक्शन है वो पॉइंट होता है जहाँ से कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होता है। एप्लेट क्या होते हैं, एप्लेट जैसा कि हमने देखा कि स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं HTML वेब डॉक्यूमेंट के अंदर किसी एक्सटर्नल API को यूज करते हुए, जैसे कि ब्राउजर के अंदर हम रन करते हैं, एप्लेट यूर में रन करते हैं। एप्लेट्स क्या होते हैं, छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते। सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन होता है, वो बहुत लार्ज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है, उसमें सैकड़ों या हज़ारों से भी ज़्यादा प्रोग्राम्स हो सकते हैं। लेकिन एप्लेट्स क्या होते हैं, स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं, मोर लाइक दी वेब वर्जन ऑफ एन एप्लीकेशन दैट रिक्वायर अ जावा प्लगइन टू रन ऑन क्लाइंट ब्राउजर। तो एक तरह से जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसका ही वेब वर्जन होता है ये, लेकिन ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, और इनको रन करने के लिए हमें हमारा जो क्लाइंट मशीन पर ब्राउजर है उसके अंदर जावा प्लगइन की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसको भी रन करना है तो JVM की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो आपका जब तक जावा प्लगइन नहीं होगा ब्राउजर के अंदर आप इसको रन नहीं कर पाओगे। ये क्लाइंट मशीन पर रन होते हैं और जनरली यूज होते हैं इंटरनेट कंप्यूटिंग में, ठीक है, जैसे किसी वेबसाइट के साथ इसमें अटैच रहेगा कोई प्रोग्राम। तो हम जावा एप्लेट है उसको एक HTML पेज में बिल्कुल वैसे ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं जैसे कि हम कोई इमेज है उनको इंक्लूड करते हैं HTML पेज में। बहुत ही सिंपल है, जैसे इमेज को इंक्लूड करते हैं HTML पेज में वैसे ही हम एप्लेट को भी इंक्लूड कर सकते हैं। जब हम एक HTML पेज में एक एप्लेट को हम देखते हैं तो एप्लेट है वो जावा इनेबल्ड वेब ब्राउजर में रन होता है, और जो एप्लेट का कोड है वो ट्रांसफ़र हो जाता है सिस्टम में और फाइनली रन होता है जावा इनेबल्ड वर्चुअल मशीन ऑन द ब्राउजर। तो ये देखिए, या तो देखेंगे हम कि एप्लेट है वो क्लाइंट मशीन पर हम डेवलप करेंगे या फिर सर्वर पर होगा।
अगर सर्वर पर एप्लेट प्रोग्राम है तो एप्लेट प्रोग्राम को सर्वर से जो रेस्पॉन्स आता है वो आता है एचटीएमएल के फॉर्मेट में, तो एचटीएमएल फाइल के साथ ही ये इंक्लूड करके सर्वर क्लाइंट मशीन पर भेज देगा इसको एप्लेट को। वो क्लाइंट मशीन पर पूरा कोड आ जाता है एप्लेट का और वहीं पर वो ब्राउज़र के अंदर रन होता है। लेकिन आपका ब्राउज़र है वो जावा इनेबल्ड होना चाहिए, जावा प्लगइन उसमें होना चाहिए। देखिए जावा में जो एप्लेट प्रोग्राम है वो भी सिंपल जो एप्लीकेशन प्रोग्राम से वैसे ही जावा सी कमांड से कंपाइल होते हैं, लेकिन रन करने का तरीका अलग होता है। रन है वो एप्लेट व्यूअर में या ब्राउज़र के अंदर होंगे, जावा प्रोग्राम जावा कमांड से नहीं होंगे। जावा एप्लेट्स है वो भी कैपेबल है परफॉर्मिंग ऑल काइंड्स ऑफ ऑपरेशंस, जैसे कि साउंड्स प्ले करना, ग्राफिक्स डिस्प्ले करना, अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना, एनिमेटेड ग्राफिक्स को क्रिएट करना। तो ये हमने लास्ट में जो प्रैक्टिकल किया था उसमें हमने देखा था ग्राफिक्स को डिस्प्ले करके और एनिमेशन करके भी देखा था। ठीक है, एनिमेशन क्या होता है बेसिकली, इमेजेस का कलेक्शन होता है जो कि जो फ्रेम्स में बटे रहते हैं और टाइम के साथ एक के बाद में एक फ्रेम अपने को डिस्प्ले होती है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो एक मूविंग अपने को दिखाई देता है, स्टिल नहीं रहता है, क्योंकि एक के बाद एक इमेज आती है। तो इमेज में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो चेंज होते हैं, उनकी पोजीशन चेंज होती है, तो अपने को एक वीडियो जैसी उसमें फीलिंग आती है उसके अंदर, एनिमेशन के अंदर। ठीक है, तो वीडियो भी क्या होता है, वीडियो भी कलेक्शन ऑफ इमेजेस होता है। आप कभी अगर इमेजेस जो देख रहे हैं जैसे स्लाइड शो देखते हैं, तो उसको एकदम आप फास्ट कर दोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे वीडियो चल रहा है, और आप वीडियो में वैसे भी इमेज को कैप्चर कर सकते हैं। तो जो लार्ज इमेजेस हैं वो बहुत ही फास्टली जब मूव होती है तो अपने को रियल टाइम में जैसे हम आँखों से जैसे देखते हैं उस टाइप का अपने को फील होता है, और वो वीडियो बनता है उससे। अब हम एप्लेट को वेब पेज के अंदर लोकली या रिमोटली दोनों तरह से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। लोकली करना है तो हमें क्या, खुद का एप्लेट बनाना होगा, और रिमोटली करना है तो एक एक्सटर्नली एप्लेट बनाना होगा। तो जब ये स्टोर होता है लोकल सिस्टम पर तो इसको हम बोलते हैं लोकल एप्लेट, और जब ये स्टोर होता है रिमोट लोकेशन पर और एक्सटर्नली डेवलप किया जाता है तो उसको बोलते हैं रिमोट एप्लेट। ठीक है, तो लोकल का तो जैसे हमने रन करके देखा, हमने प्रोग्राम बनाया और फिर इसको एप्लेट व्यूअर में रन किया या ब्राउजर में रन किया, तो वो तो हमारा लोकल एप्लेट है। लेकिन जब हम कई वेबसाइट्स ओपन करते हैं और उनके अंदर जो वेबसाइट जावा में बनाई हुई होती है जिनमें एप्लेट का यूज होता है, तो वो जो एप्लेट होता है वो सर्वर मशीन पर डेवलप किया हुआ होता है, वहीं पर रहता है, वहाँ से हमारे ब्राउजर में भेजा जाता है और फिर वो रन होता है हमारे ब्राउजर में आकर, तो वो होता है रिमोट एप्लेट। अब ऐसे ब्राउजर्स जो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट GRE के साथ में आते हैं एप्लेट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उनको वो हम बोलते हैं जावा इनेबल्ड ब्राउजर्स। GRE होता है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जो कि सपोर्ट देता है जावा के प्रोग्राम्स को रन होने के लिए। अब जिस पे वेब पेज के अंदर एप्लेट होता है तो उसमें टैग्स होते हैं जिसमें नेम ऑफ एप्लेट होता है और इसका URL होता है। URL का मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसमें URL में क्या होता है कि वो यूनिक लोकेशन का एड्रेस होता है जहाँ पर एप्लेट का बाइट कोड होता है वर्ल्ड वाइड वेब पर। जैसा कि हमने देखा था कि
हम कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को जावा सी से, तो उसके बाद में एक डॉट क्लास फाइल क्रिएट होती है और उसके अंदर होता है बाइट कोड। तो जब रन कराते हैं प्रोग्राम को तो वो बाइट कोड काम में आता है, सोर्स कोड नहीं आता, बाइट कोड काम में आता है। तो हमारे पास भी एप्लेट का कोड कौन सा आएगा क्लाइंट मशीन पर सर्वर से, बाइट कोड। ये याद रखना है आपको कि वो जावा का ओरिजिनल सोर्स कोड नहीं आएगा, वो बाइट कोड आएगा। तो URL क्या होता है, सरल शब्दों में हम देखते हैं कि URL है वो किसी मशीन या नेटवर्क की फाइलों को रेफर करता है, उनका एड्रेस होता है उसके अंदर, ठीक है। तो हम कोई भी वेबसाइट जब ओपन करते हैं ब्राउज़र में तो उसका एक स्पेसिफिक URL होता है, वेबसाइट ही नहीं कुछ भी उसका वेब पेज है या कोई इमेज है। तो बेसिकली है क्या, जिस मशीन पर जहाँ पर वो फाइल है, कोई इमेज है, कोई फाइल है, उसका एड्रेस होता है उसमें URL में। तो ये भी हम पहले देख चुके हैं कि एप्लीकेशंस हैं उन पर सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, वो किसी भी फाइल को काम में ले सकते हैं, लेकिन एप्लेट्स पर सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं और वो जितना उनको परमिशन है ब्राउज़र से उतनी ही एक्सेस उनको मिलती है। इसलिए वो क्या करते हैं कि सिस्टम के अंदर जो रिसोर्सेज है उनको एक्सेस नहीं कर पाते हैं, एक्सेप्ट ब्राउज़र स्पेसिफिक सर्विसेज, जो ब्राउज़र की स्पेसिफिक सर्विसेज है उनके अलावा दूसरे रिसोर्सेज को वो एक्सेस नहीं कर सकते। अब ये तो हमने डिटेल में देखा था, एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता तो डिटेल में लिख सकते हैं या फिर आप टेबल में भी बना सकते हैं इसको। टेबल में कुछ इस तरह से बनाएंगे, एप्लीकेशन वर्सेज एप्लेट, दो कॉलम बनाएंगे एप्लीकेशन और एप्लेट। पहला जो डिफरेंस वो होगा कि एप्लीकेशंस आर स्टैंड अलोन प्रोग्राम्स दैट कैन रन इंडिपेंडेंटली विदाउट हैविंग टू यूज ए वेब ब्राउजर, ठीक है। ये जैसे हमने देखा कि इनको स्टैंड अलोन बोलते हैं क्योंकि इनको किसी दूसरे की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एप्लेट्स आर स्मॉल जावा प्रोग्राम्स दैट आर डिजाइन टू बी इंक्लूडेड इन एन HTML वेब डॉक्यूमेंट, दे रिक्वायर अ जावा इनेबल्ड वेब ब्राउजर फॉर एग्जीक्यूशन। तो एप्लेट्स वो स्टैंड अलोन नहीं होते और इनको रन होने के लिए हमें ब्राउजर की ज़रूरत होती है। दूसरा डिफरेंस है, जावा एप्लीकेशंस हैव फुल एक्सेस टू लोकल फाइल सिस्टम और नेटवर्क। जैसे कि हमने देखा इन पर कोई जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं उन पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये इनको फुल एक्सेस होती है जो लोकल फाइल्स होती हैं हमारी सिस्टम पर, क्लाइंट मशीन पर और नेटवर्क पर, वो पूरी ये एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन एप्लेट्स हैं वो डिस्क और नेटवर्क एक्सेस नहीं कर सकते हैं। फिर है, इट रिक्वायर्स अ मेन मेथड फॉर इट्स एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं उनको सबको मेन मेथड की ज़रूरत होती है एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि एग्जीक्यूशन स्टार्ट ही मेन से होता है। अगर मेन नहीं होगा तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं प्रोग्राम। लेकिन एप्लेट के अंदर मेन फंक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ठीक है। ये आपसे एग्जाम में पूछ भी सकते हैं कि क्यों नहीं होता उसमें मेन मेथड, क्या होता है या नहीं होता है। एप्लीकेशंस कैन रन प्रोग्राम्स फ्रॉम द लोकल सिस्टम, जबकि एप्लेट्स हैं वो लोकल सिस्टम से प्रोग्राम्स को रन नहीं कर सकते। एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो उसको काम में लेते हैं हम कोई भी टास्क है उसको परफॉर्म करने के लिए डायरेक्टली फ्रॉम द यूजर, लेकिन जो एप्लेट प्रोग्राम होता है वो परफॉर्म करता है स्मॉल टास्क और पार्ट ऑफ इट। जैसे कि मैंने पहले बताया, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो लार्ज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, इसलिए खूब सारे काम कर सकते हैं वो। लेकिन एप्लेट है वो एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, तो कोई स्पेशल टास्क होता है उसी के लिए उसको डिजाइन करते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कैन एक्सेस ऑल काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द सिस्टम, ठीक है। वही चीज़ है, जैसे इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्शन लिए एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन एप्लेट्स है कैन ओनली एक्सेस द ब्राउजर स्पेसिफिक सर्विसेज।
तो आज की वीडियो में हमने देखा एप्लेट और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में क्या डिफरेंस है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसमें लिखा है, आपको समझाने की कोशिश की है। आप वीडियो को पॉज करके नोट्स भी बना सकते हैं। आपको यदि कुछ समझ में नहीं आया है या आपके कुछ सुझाव है जिनसे और हम इसको अच्छा बना सकते हैं वीडियो लेक्चर को, तो आपका स्वागत है। आप कमेंट कीजिए, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हम डेली, हमारा जो जीपीसी डूंगरपुर का चैनल है उस पर वीडियोज़ अपलोड करते हैं, तो अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए डेली तो आप जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।